फ्रेंड्स वेलकम टू ड्रोन से डॉक्टर वंस अगेन होप एवरीथिंग इज फाइन। दिस वीडियो इज फॉर ड्रोन लवर्स। और नई रेगुलेशन आ गई है 2020 की, और उस रेगुलेशन के हिसाब से आपको मैं सारा कुछ बहुत आसान लैंग्वेज में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। अब ये जो ड्राफ्ट आया ये अप्रूव होने वाला है कुछ ही दिनों में, और ये 2020 का फाइनल लॉज बन जाएंगे। इसमें काफ़ी उन्होंने अमेंडमेंट्स करी हैं, काफ़ी कुछ पहले जैसा है बट कुछ काफ़ी चीज़ें नई भी आई हैं। और काफ़ी सवाल थे लोगों के कि जैसे कैसे बिजनेस कर सकते हैं ड्रोन्स का, कैसे हम जो एग्जिस्टिंग ड्रोन्स इंडिया में हैं उनका क्या बनेगा, और ड्रोन कैसे उड़ाएंगे, कहाँ पर उड़ाएंगे, कैसे सब कुछ होगा, और कैटेगरीज। तो हर एक एस्पेक्ट के ऊपर फाइनल रेगुलेशंस आई हैं, उनका ड्राफ्ट आया है, वो मैं सारा स्टडी कर चुका हूँ, और मैंने लिंक भी दे दिया है नीचे वीडियो में, आप जाके खुद भी पढ़ सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ पढ़ना आप मेरे से ये वीडियो सुन लें डिटेल में, थोड़ा लंबा वीडियो होगा क्योंकि हर एक एस्पेक्ट के बारे में मैं मोटा मोटा इसमें बताऊंगा। उसके बाद डिटेल में जाएंगे नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियोज में। अब ड्रोन्स की रेगुलेशंस के सीरीज के वीडियो आएंगे क्योंकि 2020 की रेगुलेशन का ड्राफ्ट आ गया, तो सारा कुछ डिटेल में एक में नहीं कवर हो पाएगा, पर इसमें यस आपको काफी कुछ नॉलेज हो जाएगा कि क्या रेगुलेशन में अब फाइनली आने वाला है विच इज बाई DGCA। ठीक है, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब हैं, इस चैनल पर हम ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और टेक जो मैं यूज करता हूँ लाइक मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, एनी थिंग टेक गैजेट्स, और एज अ डॉक्टर आई ऑल्सो अपडेट सम हेल्थ वीडियोज। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ कैटेगरीज। कैटेगरीज जैसे आपको पहले ही बताया, पांच कैटेगरीज में ड्रोन्स को बांटा गया है, नैनो, माइक्रो, स्मॉल ड्रोन्स, मीडियम ड्रोन्स एंड लार्ज ड्रोन्स। तो बेसिकली हमारे मतलब की जो यहाँ पर हैं वो हैं बेसिकली नैनो ड्रोन्स, तो बिल्कुल छोटे आते हैं जो 250 ग्राम से भी कम वेट के हैं, दैट आर कॉल्ड नैनो ड्रोन्स। 250 से आपके पास 2 kg तक माइक्रो ड्रोन्स की कैटेगरी में काफ़ी क्वेश्चंस, और काफ़ी वी आर इंटरेस्टेड बिकॉज हम कंज्यूमर ड्रोन्स को यूज़ करना चाहते हैं फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए, वेडिंग फोटोग्राफर यूज़ करना चाहते हैं, तो वो कैटेगरी ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस होती है। उसके बाद स्मॉल जो 2 kg से लेके 25 kg तक हैं, और उसके बाद मीडियम 25 kg से 150 kg तक, एंड देन अबव दैट लार्ज। तो ये जो कैटेगरीज हैं ये इंडस्ट्री ड्रोन्स हैं। इंडस्ट्री ड्रोन्स में जैसे एग्रीकल्चर में, रियल एस्टेट में, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन है। अब मेनली जो फर्स्ट टू क्लासिफिकेशन में डिफरेंस क्या आया, ये आपको पहले भी बताया, डिफरेंस ये आया है कि नैनो का जैसे आपने वेट बताया 250 ग्राम था, और माइक्रो है 250 से 1 kg के बीच में। अब ये कहा गया है स्पीड का फैक्टर इसमें डाल दिया गया नई रेगुलेशंस में, कि अगर जो मैक्सिमम स्पीड है फ्लाइट ड्यूरिंग मैक्सिमम स्पीड जो ड्रोन की है 15 मीटर पर सेकंड से बढ़ती है नैनो ड्रोन की, नैनो को फोकस किया गया क्योंकि DGCA ने नैनो ड्रोन को काफ़ी फीचर पैक बना दिया था, तो उसको टारगेट करने के लिए इन्होंने ये डाला है कि अगर नैनो ड्रोन में आपके ये दो फीचर्स हैं, पहला फीचर स्पीड, अगर उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा है तब वो नैनो ड्रोन नहीं कहलाएगा, वो माइक्रो कैटेगरी में आ जाएगा, और जो माइक्रो कैटेगरी के लॉज हैं उस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। नंबर वन। नंबर टू उन्होंने कहा है कि हाइट, मैक्सिमम अटेनेबल हाइट इज लिमिटेड टू 15 meters। 15 मीटर से ऊपर अगर आपका ड्रोन नैनो ड्रोन चला जाता है तो वो माइक्रो कैटेगरी में माना जाएगा, वेट का कुछ लेना देना नहीं है ये उन्होंने। इसके अलावा रेंज को भी बताया, अगर वो 100 मीटर से क्रॉस करता है रेंज होती है कितने दूर तक वो जा सकता है, और हाइट होती है कितना ऊंचा जा सकता है। 15 मीटर से ऊंचा नहीं जाना चाहिए नैनो ड्रोन, और 100 मीटर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ये कैपेबिलिटीज जैसे जो मैविक मिनी है उसमें ये कैपेबिलिटीज हैं, अगर वो आपके ड्रोन में है तो वो माइक्रो कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चेंज आया है 2020 की रेगुलेशन में। आप बताएं आपको ये अमेंडमेंट कैसी लगी, क्योंकि ये जो ड्राफ्ट है वो पब्लिक के लिए उन्होंने रिलीज किया है ताकि आप कमेंट कर सकें, आप मेरे जरिए बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी जो ड्रोन रेगुलेशन का वीडियो काफ़ी सर्कुलेट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें अभी कि आपको कौन सी अमेंडमेंट अच्छी लगी, कौन सी नहीं लगी, और क्या आप चेंज चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इस क्लासिफिकेशन में ये अमेंडमेंट थी कि वो नैनो को माइक्रो में कन्वर्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दीज टू फीचर्स। ठीक है, तो ये तो हो गई कैटेगरीज। अब आपके पास आते हैं सेकंड पार्ट पे, ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन पे बहुत क्लियर कट रेगुलेशन आ गई। ऑथोराइजेशन क्या है कि बिजनेस से रिलेटेड, और हर एक चीज़ का ऑथोराइजेशन उन्होंने देनी है। जैसे कि ऑथोराइज ऑपरेटर कौन है, जो ड्रोन को उड़ाएगा, जो ऑथोराइज किया गया। ऑथोराइज ट्रेडर, जो ड्रोन को बेचेगा।
ऑथोराइज्ड इंपोर्टर जो ड्रोन को बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करेगा। तो इस तरह से ऑथोराइज्ड मैन्युफैक्चरर जो ड्रोन बनाएगा, कंपनी जो इंडियन कंपनी ड्रोन बनाना चाहती है, तो इन सब लोगों को ऑथोराइजेशन लेनी पड़ेगी DGCA से, और वो ऑथोराइजेशन देगा जो अथॉरिटी है डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA, वो आपको परमिशन देंगे। उसके लिए पर्टिकुलर फॉर्म्स बनाए गए हैं, वो मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कौन कौन से फॉर्म हैं। वो फॉर्म आपने ऑनलाइन भरने हैं और डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने हैं एप्लीकेशन के दौरान। तो डिटेल में सब बताने वाला हूँ मोटा मोटा, ताकि आपको क्लियर कट हो जाए। तो सबसे पहले, जिस चीज़ की आपके पास ऑथोराइजेशन नहीं है, अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है, तो आप ड्रोन को उड़ा भी नहीं सकते हैं। जो ड्रोन को उड़ाएगा ऑथोराइज ऑपरेटर, जो ड्रोन को बेचेगा ऑथोराइज ट्रेडर, जो ड्रोन को इम्पोर्ट करवाएगा ऑथोराइज इम्पोर्टर, और जो ड्रोन को बनाएगा ऑथोराइज मैन्युफैक्चरर। तो ऑथोराइज वर्ड हर एक के साथ है अगर आप ड्रोन के संबंध में हैं, और वो ऑथोराइजेशन लेने के लिए आपको फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन मैं सब पे आऊँगा, जो कि इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी क्वेश्चन आता है कि हमने ड्रोन का बिजनेस करना है, हमने ड्रोन बेचने हैं, कैसे बेच पाएंगे, DJI के ड्रोन का हम डीलर बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले, DJI इज नॉट एन इंडियन ड्रोन, सबको मालूम है, वो चाइनीज ड्रोन है, क्योंकि DJI के ड्रोन की सबसे ज़्यादा बात होती है, इसलिए मैं DJI का एग्जांपल ले रहा हूँ। कोई भी बार का ड्रोन है, किसी भी ड्रोन को आपने इम्पोर्ट करना है, तो आपको सबसे पहले ऑथोराइज इम्पोर्टर बनना पड़ेगा। अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, उसकी मतलब आप इम्पोर्ट नहीं करना चाहते, इम्पोर्ट कोई करेगा, पर्सन वन विल इम्पोर्ट ये ऑथोराइजेशन लेके, फिर पर्सन टू, सो एक तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। जो पर्सन टू है वो आपसे, जो ट्रेडर है, जो बेसिकली बेचना चाहता है, अपनी दुकान बनाना चाहता है, वो इम्पोर्टर से लेगा। तो इस तरह से ये चैनल चलेगा, जैसे सबको पता है बिजनेस का चैनल क्या है, इम्पोर्टर इम्पोर्ट करेगा बाहर का है तो ड्रोन, जैसे DJI, तो इम्पोर्टर इज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो, तो उससे डिफरेंट रिटेलर्स खरीदेंगे और फिर अपनी रिटेल में आप तक पहुंचाएंगे। तो इस तरह से ये चेन चलेगी, लेकिन ऑथोराइज्ड वर्ड हर एक के साथ है, हर कोई ऑथोराइज्ड ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगी। ऑथोराइजेशन मिलेगी, एक नंबर मिलेगा स्पेसिफिकली, तो उसके फॉर्म्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले, किसी भी चीज़ की ऑथोराइजेशन लेने के लिए आपको एलिजिबिलिटी की कुछ कंडीशंस लगाई हैं, वो रेगुलेशन में है। पहले एलिजिबिलिटी है, यू शुड बी इंडियन और 18 साल से ऊपर आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल हैं, अकेले हैं, एक शॉप खोलना चाहते हैं, मतलब आपका कोई बड़ी कंपनी या एसोसिएशन नहीं है, तो एज ए इंडिविजुअल पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए, और नंबर टू, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर आप एक कंपनी हैं, तब आपका इंडिया, मतलब एक रजिस्टर्ड साइट होनी चाहिए जहाँ पर आपकी कंपनी काम करेगी, और जो चेयरमैन हैं और जो 2/3 ऑफ डायरेक्टर्स हैं उस कंपनी के, वो इंडियन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी बाहर की कंपनी होगी, और इस तरह से इन्होंने ये कैटेगराइज किया गया है। तो ये पहली एलिजिबिलिटी है। उसके बाद अगर आप इससे एलिजिबल होंगे, क्योंकि वी ऑल आर इंडियंस, ये हमारे पास है, हमारे पास प्रूफ्स हैं, उसके बाद आपने ये ऑथोराइजेशन लेने के लिए फॉर्म बनाया गया है, जिसका नाम है UA1। तो फ्रेंड, ये है आपका फॉर्म नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर UA1, ये देखिए। अब इस फॉर्म को आपने भर के एप्लीकेशन लगानी है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चरर पर टिक करें, ये देखिए। अगर आप मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर पर टिक करें, इंपोर्टर हैं, इंपोर्टर पर टिक करें, ट्रेडर हैं, ट्रेडर पर टिक करें, ओनर हैं, मतलब ओन करते हैं ड्रोन को, तो ओनर पर टिक करें, ऑपरेटर हैं तो ऑपरेटर पर टिक करें। तो इन सभी कैटेगरीज के लिए आपको ऑथोराइजेशन चाहिए, विदाउट ऑथोराइजेशन आप ड्रोन को हाथ नहीं लगा सकते। तो ये फॉर्म आपको भरना है, इसमें आपका नेम, डॉक्यूमेंट, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सब लगेंगे। और ये करने के बाद आपको, अगर आप इंडिविजुअल नहीं है, कंपनी है, तो पार्ट बी भरिए कि नेम ऑफ द कंपनी क्या है, बिजनेस एड्रेस क्या है, प्रूफ ऑफ सारा, उसमें आप डिटेल, GST नंबर, जब कंपनी तो GST नंबर भी होगा, तो ये सब डिटेल देनी है। और अगर आप एक पूरी एजेंसी या अथॉरिटी हैं, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम लिखना पड़ेगा। इस तरह से सब कुछ करने के बाद आपको ये सारा फॉर्म भर के डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के ऊपर डिक्लेरेशन साइन करके देना है। फिर DGCA आपकी एप्लीकेशन को देख के, सिक्योरिटी के हिसाब से आपका कोई केस तो नहीं चल रहा, सारा कुछ उसको देख के आपको अप्रूवल देंगे, और आपके पास एक ऑथोराइजेशन नंबर आ जाएगा। जिस भी चीज़ के लिए आपने दिया है, वो स्पेसिफिक नंबर उसी चीज़ के लिए होगा, ठीक है। ये लेने के बाद आप ऑथराइज्ड, जिस चीज़ के लिए भी आपने अप्लाई किया है, ऑथराइज्ड इम्पोर्टर, ऑथराइज्ड ट्रेडर, ऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरर, जो भी आपका ड्रोन को लेके एम है, वो आपको ऑथराइजेशन मिल जाएगी। तो ये है फर्स्ट स्टेप ऑथराइज्ड बनने के लिए। बाद उसके बाद आप ट्रेडर बन गए हैं, पर आपको
ऑथराइज ट्रेडर आप बन गए, सपोज आपने बिजनेस शुरू करना है, आपने ऑथराइजेशन ले ली ये फॉर्म भर के, अब आपको इम्पोर्टर चाहिए, ऑथराइज इम्पोर्टर चाहिए इंडिया का, जो आपके लिए ड्रोन को इम्पोर्ट करके देगा, या आप ऑथराइज मैन्युफैक्चरर से सीधा खरीद सकते हैं जो अगर इंडियन मेड ड्रोन है, पर आप अगर DJI में डील करना चाहते हैं, DJI को फोकस करें क्योंकि DJI काफ़ी बिकता है वर्ल्ड ओवर, तो अगर आप सपोज DJI का ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको एक इम्पोर्टर चाहिए इंडियन जो DJI के ड्रोन इम्पोर्ट करे, तो वो कोई और इंडिविजुअल होगा। तो उसके लिए कोई भी इंसान जो आप में से अगर आप चाहते हैं इम्पोर्टर बनना, तब आपको फॉर्म नंबर UA2 सबसे पहले भरना पड़ेगा। फॉर्म नंबर UA2 क्या है? फॉर्म नंबर UA2 आपको सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर देता है, सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर, इसे कहते हैं COM। ये आपके पास होना चाहिए सबसे पहले अगर आप चाहते हैं ड्रोन को इंपोर्ट करना, आप एक ऑथराइज इंपोर्टर बनना चाहते हैं। तो क्या स्टेप है इंपोर्टर बनने के लिए? पहला आप फॉर्म नंबर UA1 भरें, जिससे आपको ऑथराइजेशन मिल जाएगी कि आप इंपोर्टर हैं ड्रोन के। उसके बाद ड्रोन को इंपोर्ट करने के लिए पूरी क्लैरिफिकेशन और आपको सारी अप्रूवल्स, उसके बाद सेकेंड अप्रूवल के लिए आपको, अगर आपने DJI का ड्रोन बाहर से इंपोर्ट करना है, तो ये सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर आपके पास होना चाहिए। ये आपको कैसे मिलेगा? तो इसकी अब दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप खुद ये सारे तामझाम करें, बट जिस तरह का ये फॉर्म है, जैसे इसमें पूरा आपका नाम वगैरह के बाद काफ़ी डिटेल्स बतानी पड़ेंगी आपको ड्रोन के बारे में, तो मेरे हिसाब से ये कंपनी ही लेगी। जैसे DJI का एग्जांपल लेते हैं, DJI का अगर आपने ड्रोन इंपोर्ट करना है तो DJI को या DJI के किसी ऑफिशियल को ये फॉर्म भरना पड़ेगा आपके बिहाफ पे या कंपनी के बिहाफ पे, फिर वो आपको मिल जाएगा। बेसिकली जो भी इंपोर्टर ड्रोन को, जिस भी ड्रोन को इंपोर्ट करना चाहता है, उसके पास उस ड्रोन के रिगार्डिंग, जैसे DJI का आपने ड्रोन इंपोर्ट करना है तो DJI का हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर होना चाहिए। वो कौन देगा? वो भी डायरेक्टर जनरल देंगे। तो वो लेने के लिए आपको सारी ड्रोन्स की डिटेल्स पता करनी पड़ेगी। इसमें पता लग जाएगा उनको कि आपका जो ड्रोन मैन्युफैक्चर्ड है DJI द्वारा, उसमें जो ये चाहते हैं चीज़ें NPNT, जैसे आपको मैंने बताया नो परमिशन नो टेक ऑफ, जो इंडियन रेगुलेशंस पहले बनी गई हैं, पिछला ड्राफ्ट जो पिछला अप्रूव ड्राफ्ट है कि NPNT होना चाहिए, जो भी इन्होंने चीज़ें बताई हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई हैं, मैंने लिस्ट में दे दी हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो वो टेस्ट किया जाएगा ड्रोन की, उसमें वो इंडियन रेगुलेशंस के हिसाब से वो सब चीज़ें ड्रोन में हैं या नहीं। अगर वो चीज़ें ड्रोन में नहीं हैं तो वो कंपनी को बोलेंगे कि आप ये चीज़ें इसमें डालिए, उसके बाद हम आपको सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर देंगे COM। तो सपोज अगर DJI ने सारा कंपाइल कर लिया अकॉर्डिंग टू इंडियन ड्रोन रेगुलेशन, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वो ये फॉर्म भरेंगे, वो ऑथराइज्ड जो डायरेक्टर जनरल है अपने अथॉरिटीज़ को टेस्टिंग के लिए ड्रोन को करेंगे, जो भी ड्रोन होगा उस मॉडल को टेस्ट किया जाएगा कि यस उसमें वो चीज़ें हैं या नहीं। अगर उसमें चीज़ें हैं तो डेफिनेटली सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर आपको मिल जाएगा, दैट इज़ नोन एज COM। फिर जब आपको COM मिल जाएगा, आप एक दो चीज़ें होंगी, आपने ऑथराइज्ड, आप इंपोर्टर हैं, आपके पास COM भी मिल गया DJI का, उसके बाद आपने फॉर्म नंबर UA3 भरना है। तो इस फॉर्म को जब भरेंगे, इसमें आपको इंपोर्ट की क्लीयरेंस मिलेगी, कितने ड्रोन्स आपने मंगाने हैं, किस कंपनी के मंगाने हैं, उस कंपनी का आपके पास CAS साथ में लगेगा इसके, ये सब कुछ, मॉडल नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, कितने आप कहाँ से मंगा रहे हैं, किस कंट्री से मंगा रहे हैं। तो ये फॉर्म कौन भरेगा? ऑथराइज्ड इंपोर्टर, वही भर पाएगा जिसके पास COM है। अगर इस एप्लीकेशन के साथ आपने COM नहीं लगाया तो वो अप्रूव नहीं होगी। तो बेसिकली 3 स्टेप्स आपको हैं, ये जब हो जाएगा फिर आपको ड्रोन की क्लियरेंस मिल जाएगी, उसके बाद आप सीधे सीधे ड्रोन को फिर इंपोर्ट करेंगे, फिर वो ड्रोन लीगली आपके पास आएगा, आपके नंबर पर आएगा, यू आर द ऑथराइज पर्सन जिसके पास ये डिलीवरी होगी, फिर आपसे डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं वो ड्रोन खरीद पाएंगे, जैसे मतलब ट्रेडर जिन्होंने ड्रोन आगे भेजना है। तो ये पूरा प्रोसेस है ड्रोन के बिजनेस का, जो आने वाले टाइम में इस तरह से आपका चलेगा। अब इसमें से किसी भी पॉइंट में आपको कुछ लग रहा है कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे मुझे लग रहा है काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है ये
सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर को लेके जो भी आपके दिमाग में आ रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि ये मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंचे, क्योंकि अभी ये ड्राफ्ट है, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स वो अगर चाहते कर सकते हैं अगर डिमांड आएगी तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। आप चलते हैं तीसरे पार्ट पे। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ड्रोन बिजनेस का, मैंने आपको बता दिया कैटेगरीज का बता दिया, अब थर्ड पार्ट पे आते हैं कि ड्रोन उड़ाना लीगली कैसे है, उसका क्या क्या आपके रेगुलेशन में है 2020 में। तो 2020 में आपको बताया गया है कि जैसे पहले जो चलता रहा यूआई नंबर आपको लेना है, और यूआई नंबर किस ड्रोन के लेनी चाहिए, नैनो ड्रोन के लिए आपको यूआई नंबर नहीं चाहिए। वही एक ऐसा इकलौता ड्रोन है जो कि आपको यूएन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद जो माइक्रो कैटेगरी आएगी जैसे मैविक मिनी आ गया, फैंटम आ गया, मैविक प्रो 2 आ गया, इन सभी ड्रोन्स के लिए आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा। उसके लिए भी अलग से फॉर्म है तो वो आप जाके फिल करेंगे, सब फॉर्म आपको सबमिट करने हैं डिजिटल साइड प्लेटफॉर्म पर, और वो जब हो जाएगा उसके बाद आपको यूएन नंबर मिल जाएगा। यूएन नंबर आपने उसके लिए प्रॉपर फीस है। और एक चीज मैं आपको बताने वाला भूल गया, जो ऑथराइजेशन की मैंने जो बात की थी, वो ऑथराइजेशन जब आपको मिलती है वो 5 साल के लिए आपको मिलेगी, हर एक चीज 5 साल के लिए ऑथराइज्ड है, उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, अलग से फीस भरनी पड़ेगी, तो इस तरह से साइकिल चलेगा। तो ड्रोन ऑपरेशन में आपको मैंने बता दिया यूएन नंबर आपको लेना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्म है, फीस लगेगी, और वो जब ले लेंगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर यूएन नंबर लग जाएगा ड्रोन के ऊपर, उसके ऊपर आप उसको फिर लीगली उड़ा सकते हैं। अब उड़ाने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक ऑनलाइन ऐप आएगी, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला, और उस ऐप पे आपको परमिशन लेनी है, वो परमिशन डीजेसीए देगा ऑनलाइन, वो आपको मिलती है तभी आप ड्रोन उड़ा सकते हैं, नहीं मिलती तो वो टेक ऑफ ही नहीं करेगा। और जिस एरिया में आपको परमिशन दी जाती है उसी एरिया में आपने ड्रोन उड़ाना है, जिस लिमिट में कहा जाता है उसी लिमिट में ड्रोन उड़ाना है, उसके आजू मतलब उसको आपने क्रॉस किया तो आपको सजा होगी, आपका ड्रोन भी लिया जा सकता है, क्योंकि उस ड्रोन पे आपका यूएन नंबर लगा होगा, उससे सारी आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कहाँ पर आप रहते हैं, कौन उस ड्रोन का मालिक है, किस जिसने ये रूल्स को तोड़ा है। तो काफ़ी स्ट्रिक्टनेस के हिसाब से बिल्कुल ओपनली मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी इजी लैंग्वेज में कि इस तरह से ये अब सेटअप होने वाला है। इसमें भी आपको कुछ अमेंडमेंट में कुछ लग रहा है, कुछ ज़्यादा खास इस ऑपरेशन मोड में ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, मेनली जो क्लैरिफाइड नहीं था वो मैंने आपको पहले बता दिया कि ड्रोन का बिजनेस कैसे होगा, आम पब्लिक तक ड्रोन कैसे पहुंचेगा। तो ये पूरा चैनल है जो मैंने आपको बताया ड्रोन ऑपरेशन को लेके, इसमें मैंने मोटा मोटा बता रहा हूँ जो पहले रेगुलेशन निकालनी ऑलमोस्ट वैसी ही हैं, यूआई नंबर आपको चाहिए, परमिशन मिलेगी, एनपीएनटी कंपैटिबल ड्रोन होगा तो विदाउट परमिशन आप उड़ा नहीं पाएंगे, तो ये सब कुछ चीज़ें उसमें होंगी। इसके अलावा मैं अब स्टेप बाय स्टेप अगली सीरीज में कवर करूंगा, और ये मैंने आपको मेन इसमें आपको सारा कुछ बता दिया है। एंड कोई भी आपका सवाल है, कोई भी आपके सुझाव है कमेंट्स में लिखें, ताकि ये और ये सर्कुलेट कर दें पूरे इंडिया में वीडियो, ताकि काफ़ी ड्रोन लवर्स हैं, और कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे इनवाइट किया ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, एक पूरे अथॉरिटीज़ को उन्होंने इनवाइट किया जो ड्रोन से रिलेटेड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एक तरह से मैं भी आपके सामने यू कैन से दैट कि दिस इज एक्सक्लूसिव चैनल ऑन ड्रोन्स, तो उन्होंने मुझे भी इन्वाइट किया है, ऑनलाइन वेबिनार एक मीटिंग होने वाली है, उसमें भी मैं अपने पॉइंट्स रखूंगा जो मुझे इसमें ठीक नहीं लगे हैं, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर दिए हैं। तो उस मीटिंग से पहले, वो मीटिंग है हमारी 12 जून को, यानी आज है 10, परसों है एक दो दिन बाद, तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट्स में लिख दें ताकि मुझे भी फीडबैक मिले कि पब्लिक हमारी क्या चाहती है। कुछ पॉइंट्स मैंने बना ली हैं, उसके अलावा भी मैं आपसे चाहता हूं कि आप ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, तो वो भी मैं वहां पर बोल पाऊं एज ए पब्लिक कि पब्लिक क्या चाह रही है। इन रेगुलेशंस में मैंने आपको मोटा मोटा सब बता दिया है, काफ़ी कुछ और डिटेल्स में है वो मैं अलग अलग वीडियोज़ में कवर करूंगा, सारे इसमें डाल दूंगा तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और अपनी राय ज़रूर बताएं, और शेयर करें वीडियो को, लाइक कर दें, शेयर और लाइक और कमेंट करने से वीडियो की रीच अपने आप यूट्यूब बढ़ाता है। तो आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर लिखना है, लाइक जरूर करना है, दैट्स इट। इतना करेंगे, शेयर नहीं भी करेंगे अपने आप यूट्यूब पहुंचा देगा, और आप शेयर करेंगे तो आपका बहुत मेहरबानी होगी, इससे रीच बढ़ेगी चैनल की। और सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसी अपडेट्स आने वाली हैं। ये ड्राफ्ट के बारे में आपने आपको बताया, तो फाइनल रेगुलेशन जो अप्रूव हो जाएंगी उसके ऊपर भी वीडियो आएगा जल्द ही, तो होप आपको पसंद आएगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।